जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ने ली युवक की जान। गड्ढे में तेज रफ्तार बाइक के गिरने के कारण हुई युवक की मौत। यूपी की सत्ता संभालते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 माह के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कें देने की घोषणा की थी, लेकिन 2 साल का समय गुजर जाने के बाद भी यूपी में सीएम जनता को गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आए दिन हादसों में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला आज जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मौलागढ़ में ओपीजीएम स्कूल के सामने का है, जब तेज रफ्तार से आ रही बाइक ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान अचानक से गड्ढे में चली गई, जिसके कारण बाइक सड़क पर गिर गई, जिस वजह से बाइक सवार बाबई निवासी ललित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों द्वारा डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद वहां पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से ललित को CHC चंदौसी में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। क्या है पूरा मामला? ये कैंडिडेट है, इसका नाम ललित है और ये बताया जा रहा है कि ये मोहम्मदपुर बाबई का है। ये काफ़ी स्पीड से आ रहा था तो बताया कि गड्ढी में कहीं मोटरसाइकिल फंसने से और बड़ा तेज़ गिरने से इसकी मतलब मौके पर ही मौत हो गई थी। तो हमारे यहाँ 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया, जब हमारे द्वारा देखा गया तो इसकी मौत हो चुकी थी। ये हेड इंजरी हुई है? हाँ, लग रहा है हेड इंजरी के कारण ही इसकी मौत हुई है। बाकी जो है पोस्टमार्टम के द्वारा ही पता चल पाएगा मेन कारण मौत का क्या रहा।